OnePlus Note CE 4 में क्या क्या कमियां हैं और किस तरह का स्मार्टफोन है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो से पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। डिस्प्ले के ऊपर कंपनी ने कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब प्रोटेक्शन अच्छा नहीं मिलता है। बैक साइड में फिंगरप्रिंट का निशान पड़ जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते हैं प्राइस के अनुसार। इसका प्राइस 24,999 रुपया पड़ेगा, मतलब 25,000 रुपया में आप इसको खरीद सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में कमी महसूस नहीं होगी, यहां तक कि 8 लाख के आसपास इसका अंतुतु स्कोर जाता है। साथ में चिपसेट भी ठीक ठाक दिया गया है, रैम टाइप स्टोरेज टाइप भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से OnePlus का पहले स्मार्टफोन आता था, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ऑप्टिमाइज रहता था, उस तरह का OnePlus देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता हुआ कि Oppo के हाथ में आ गया OnePlus, तो जो भी चीज कर रहा है सब Oppo कर रहा है, जो भी चीज आपको इसमें फैसिलिटी मिल रहा है वो Oppo की तरफ से ही मिल रहा है। इसके कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसमें जो मेन कैमरा दिया गया 50 मेगापिक्सल का, वो बहुत ही अच्छा कैमरा है, OIS सपोर्ट के साथ आता है। सोनी LYT 600 सेंसर दिया गया है। मेन कैमरा में कुछ दिक्कत नहीं होगी, फोटोग्राफी करे वीडियोग्राफी करे कमाल का एक्सपीरियंस देगा। वहीं दूसरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है वाइड एंगल कैमरा, वो बहुत ही बेकार कैमरा है, साथ साथ फ्रंट कैमरा भी औसत क्वालिटी का है। नाइट वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में ये स्मार्टफोन बहुत ही स्ट्रगल करता है। इसमें दो और चीज डिसअपॉइंट करने वाली मिलेगी, एक 5G बैंड्स की बात करें तो बहुत ही कम 5G बैंड्स दिया गया है, साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, ये OnePlus का ही एप्लीकेशन है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत ये डिसअपॉइंट कर सकती है। ओवरऑल नथिंग फोन 2A के साथ इसका कैमरा कंपेयर करेंगे तो जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, नथिंग फोन 2A का अल्ट्रा वाइड एंगल इससे बहुत ही अच्छा आता है, सेंसर भी उसमें अच्छा दिया गया है, साथ साथ उसका मेन कैमरा भी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा है। OnePlus Note CE 4 के बारे में आप क्या सोचते हैं आप भी कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।